पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। निधाय हृदि विश्वेशम् विधाय गुरुवन्दनम् बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रह। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आकाश का लक्षण हुआ समवायना शब्द गुणवत्तम आकाशस्य लक्षणम। ये आकाश का लक्षण है। समवाय सम्बन्ध से शब्द जहां पर रहता है, शब्द नामक गुण, वो आकाश होता है। वो आकाश एक है, आकाश एक है। और विभू कह दिया, विभू का अर्थ व्यापक है और नित्य है। आकाश का प्रागभाव नहीं होता है, आकाश का प्रधंसाभाव नहीं होता है, इसलिए आकाश नित्य कह दिया। इसमें न्यायबोधिनी देखो, न्यायबोधिनी न्यायबोधिनी टीका है। आकाशम लक्षयते शब्द गुणकम, ये लक्षण किया। तो ये जो शब्द गुणकम कहा आकाश के लक्षण में, तो गुणपदम गुण पद क्यों दिया भाई, गुण पद देने का क्या अभिप्राय है? वो कहते हैं कि गुणपदम आकाशे शब्द एव विशेष गुण इति द्वेतनाय। देखो गुणपद नहीं देंगे तब भी कोई आपत्ति नहीं है, गुणपद नहीं देंगे तब भी कोई दोष तो नहीं है। शब्दवत्तम आकाशस्य लक्षणम कर देंगे, शब्दवत्तम आकाशस्य लक्षणम समवाय सम्बन्ध से, तो कोई दोष तो नहीं है। समवाय सम्बन्ध से शब्द जहां रहता है वो आकाश है, ऐसा कहेंगे तो कोई दोष नहीं है लक्षण में। फिर भी द्वेतन के लिए कि आकाश में शब्द ही विशेष गुण होता है, आगे बताएंगे कितने विशेष गुण है। विशेष गुण जितने होते हैं उनमें से आकाश में एक ही विशेष गुण रहता है। वो तो कौन विशेष गुण है? शब्द, शब्द नामक विशेष गुण ही आकाश में रहता है, अन्य विशेष गुण आकाश में नहीं रहता है। इसका द्वेतन करने के लिए लक्षण में गुण पद दिया गया, ठीक है ना भाई? तो नहीं देंगे तो कोई दोष है क्या? दोष नहीं है, गुण पद न देने पर भी कोई दोष नहीं है। आगे लिखा है देखो, न तो अतिव्याप्ति बाणाय, अतिव्याप्ति का बाण करने के लिए गुण पद नहीं दिया गया है। अच्छा क्यों भाई? देखो आगे लिख दिया, समवायना शब्दवत्व मात्रस्य सम्यक्त्वात्। सबको मिल गए ना भाई? क्योंकि समवायना शब्दवत्व इतना लक्षण कर दो, गुणपद नहीं कहेंगे। समवायना इस मूल में न कहने पर भी विवक्षा है, ऐसा समझ लेना चाहिए। समवाय संबंध से शब्द जहां रहता है उसका नाम आकाश है। ये सम्यक्त्व लक्षण ठीक है, कोई दोष नहीं है, इतना तो बोल दिया। लेकिन कल आप लोगों को बतलाया था कि जो कुमार्य भट्ट है, भट्ट नय मीमांसा, पूर्व मीमांसा में शब्द को भी द्रव्य बोलते हैं वो लोग, शब्द द्रव्य है उनके अनुसार, इसलिए इसलिए भी वहां पर गुण पद दिया गया कि शब्द द्रव्य नहीं है, शब्द गुण है, इसलिए भी गुण पद दिया गया। ये भी समझ करके रख लो, ठीक है ना रंग? अच्छा और बोलते हैं विशेष गुण कौन कौन होते हैं, ये याद कर लेना श्लोक।
रूपम गंधो रस स्पर्श, बोलो, स्नेह सांसिद्धिको द्रव, स्नेह, अरे भी न्यायबोधिनी में नहीं है क्या? अच्छा, कहीं कहीं नहीं भी होगा, शायद आपकी पुस्तक में नहीं होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लिख लो, नहीं होगा तो लिख लो। रूपम गंधो रसस्पर्श, रूपम गंधो रसस्पर्श, स्नेह सांसिद्धिको द्रवः, स्नेह सांसिद्धिको द्रवः, ये पूर्वार्ध हो गया, पूर्वार्ध हो गया। उत्तरार्ध है बुद्ध्यादि भावनांताश्च, बुद्ध्यादि भावनांताश्च, बुद्ध्यादि भावनांताश्च शब्दो वैशेषिको गुणा, शब्दो वैशेषिका गुणा, वैशेषिका गुणा, शब्दो वैशेषिका गुणा, वैशेषिक मतलब विशेष गुण, वैशेषिक का अर्थ है विशेष एव वैशेषिक, स्वार्थ में ठप कर लो, स्वार्थ में ठप कर लो। क्या सूत्र है भैया व्याकरण पढ़ने वाले? स्वार्थ में ठक होता है ना, श्यामदेव, श्यामदेव कुत्र गतवान, नहीं प्राचीत, ठक प्रत्यय होता है। क्या सूत्र है और किसको याद है? प्राची बोलो तुम, काला अच्छा, प्राची को याद है क्या तुमको? बोलो, तुम बोलो प्राची, है स्वार्थ में ठक प्रत्यय होता है ना, कैसे होता है? विनयता, विनयता दिभ्य ठक, उससे होगा ठक, हाँ विनयता दिभ्य ठक से हो, उससे हो जाएगा, विनतादि गण में आएगा ये विशेष शब्द, तो उसे ठक प्रत्यय करो तो हो जाएगा वैशेषिक। क्या अर्थ होगा? विशेष एवं वैशेषिक, इसलिए वैशेषिक सिद्धांत हो गया ये, म्यूट करो। तो ये विशेष गुण होते हैं भैया, देखो रूप गंध रस स्पर्श स्नेह और सांसिदिक द्रवत्व। द्रवत्व दो प्रकार के होगा, नैमित्तिक द्रवत्व, सांस्कृतिक द्रवत्व, ये बताएंगे। सांस्कृतिक द्रवत्व जल में रहता है, जल में पतलापन समझ लो, पतलापन जल का भी होता है और तेज का भी होता है, पृथ्वी का भी होता है। दो प्रकार का द्रवत्व होते हैं, एक नैमित्तिक द्रवत्व, क्या कह रहे हो? अच्छा कट जा रहा है क्या? अब ठीक है? ऐ क्या कह रहे हो? आपका बनता कि मेरा बनता, कैसे पता लगेगा? क्या तो कभी कभी होता है। चलो तो कहते हैं कि हमें श्लोक लिख दूंगा, व्हाट्सएप पर लिख दूंगा श्लोक, रूपम गंधो रसस्पर्श, वही बता रहे ना, देखो रूपम गंधो रसस्पर्श, रूप गंध रस स्पर्श स्नेह, स्नेह तो जानते हैं ना, जल में रहता है स्नेह, चिकनापन, और सांस्कृतिक द्रवत्व। सांस्कृतिक द्रवत्व दो प्रकार का द्रवत्व होता है, एक नैमित्तिक द्रवत्व, एक सांस्कृतिक द्रवत्व होता है। सांस्कृतिक का तो स्वाभाविक ले लो,
स्वाभाविक जो पतलापन होता है उसको बोलते हैं सांसदिक का द्रवत्व, जल में रहता है, जल का स्वभाव ही नीचे बहना, पतलापन होना है कि नहीं। और एक नैमित्तिक का द्रवत्व होता है, नैमित्तिक का द्रवत्व कहाँ रहता है मालूम है आप लोगों को? पृथ्वी तेजसो, पार्थिव पदार्थ में भी रहता है और तेज पदार्थ में रहता है, तेजस पदार्थ। पार्थिव पदार्थ कहता है जैसे लाख होता है, लाख लाख जो चिट्ठी के ऊपर डाल देते पहले सील कर देते उसको लाख बोलते हैं। लाख को गर्म कर दो वो तो बह जाता है ना। तो इसी प्रकार घी भी ले लो, घी घी बैठा हुआ रहता है उसको गर्म कर दो तो बह जाता है। और तेज है, सुवर्ण को तेज मानते हैं लोग, सुवर्ण गर्म कर दो। ओ पूर्णमद पूर्णमिदं पूरात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। निधाय हृदि विश्वेशम् विधाय गुरुवंदनम् बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। आकाश का लक्षण के विषय में चल रहा था, शब्द गुणकम आकाशम तच्च एकम विभु नित्यम च। इसमें जो विभु विभु का लक्षण आया, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम। सर्वमूर्त द्रव्य, सभी मूर्त द्रव्य के साथ जिसका संयोग हो उसको कहेंगे सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी, है ना। उसमें धर्म रहेगा सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम, सभी मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग। काल का जैसे होता है, आत्मा का जैसे होता है, दिशा का जैसे होता है, उस प्रकार आकाश का भी होता है। जबकि मूर्तत्वम किम, मूर्तत्वम च क्रियावत्तम, ऐसा कहा। क्रिया जिसमें रहती है समवाय संबंध से उससे कहते हैं मूर्त द्रव्य। तो क्रिया पांच में रहती है, पांच द्रव्य में क्रिया होती है भी, पृथ्वी जल तेज वायु और मन में, है ना, क्रिया होती है। लेकिन कल के प्रसंग में ये कहा था कि जो मूर्त का आपने लक्षण किया क्रियावत्तम, यह मूर्त का लक्षण हुआ क्रियावत्तम, लेकिन इस लक्षण में अव्याप्ति दोष आया क्योंकि उत्पत्ति कालीन जो घटा दी है उसमें क्रिया नहीं है। क्योंकि नियम है उत्पन्नम क्षणम द्रव्यम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठते। उत्पत्ति काल में जिस समय घट उत्पन्न हुआ वो भी तो द्रव्य है, वो भी आपका लक्ष्य है, उसमें क्रिया नहीं है। घट पहले उत्पन्न होगा बाद में क्रिया होगी, फिर उत्पत्ति कालीन घट में क्रिया नहीं है, वो निष्क्रिय हुआ, वो निष्क्रिय जब हुआ उसमें लक्षण गया नहीं, क्रियावत्तम वर्तस्य लक्षणम, क्रियावत्व जो लक्षण है उस लक्षण उसमें न जाने से जिसमें क्रिया हो रही है उसमें तो गया है, लेकिन लक्ष्य हो गया सकल मूर्त द्रव्य, उसका एक देश हो गया उत्पत्ति कालीन निष्क्रिय घट आदि, उसमें क्रियावत्तम लक्षण न जाने से लक्षण में अव्याप्ति दोष आ गया। लक्ष्य कदेशावृत्तित्व ये तो अव्याप्ति, ठीक है भाई। इस दोष को निवारण करने के लिए तो क्या करना चाहिए? तो देखो,
तो क्रिया समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्तम ऐसा लक्षण कर देंगे। क्रिया समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्तम सुनाई दे रहे हैं ना, तो द्रव्यत्व का व्याप्य जाति होती है। द्रव्यत्व के व्याप्य जाति कितने अच्छे होते हैं, क्योंकि आकाश में जो जाति है उसमें जाति नहीं रहती ना, आकाशत्व जाति नहीं है, आकाशत्व जाति नहीं है, कालत्व जाति नहीं है और दिक्त्व भी जाति नहीं है, वो तो अखंड उपाधि है। आकाश में आकाशत्व जाति नहीं रहती, आकाश में द्रव्यत्व जाति तो रहेगी लेकिन आकाशत्व जाति नहीं रहती है कि नहीं। हाँ यही है, तो न्याय का ये बड़ा विलक्षण सिद्धांत है, आकाश में जाति रहती है नहीं भी रहती है। आकाश में द्रव्यत्व जाति रहेगी लेकिन आकाशत्व जाति नहीं रहेगी, हो गया ना, ऐसा है। इसलिए द्रव्यत्व व्याप्य जाति हो गए छे, पृथ्वीत्व जलत्व तेजस्त्व वायुत्व और क्या है मनस्त्व, हो गया ना, हाँ ये सब हो गया। तो यत्र त्र पृथ्वीत्वम है ना, यत्र त्र पृथ्वीत्वम तत्र तत्र द्रव्यत्व जाति है कि नहीं है। पृथ्वी में द्रव्यत्व जाति रहेगी तो द्रव्यत्व व्याप्य जाति पृथ्वीत्व हो गया ना, है? तो जैसे जिस समय क्रिया हो रही है, जिस घट में क्रिया हो रही है उसको लो, उसमें पृथ्वीत्व जाति रहेगी और उसमें क्रिया भी रहेगी, तो क्रिया का अधिकरण हो गया क्रियावान घट, है ना, क्रिया का अधिकरण हो गया क्रियावान घट, उसी घट में पृथ्वीत्व जाति भी रहेगी, हो गया ना। फिर क्रिया समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति कौन है, पृथ्वीत्व जाति, और पृथ्वीत्व जाति उत्पत्ति कालीन घट में भी रहेगी, रह जाएगी ना, इसे लक्षण चला जाएगा। इसलिए क्रिया समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति पृथ्वीत्व जाति, वो जाति भी घट में रहेगी, सकल घट में रहेगी, है ना, ऐसा करते हैं लोग। तो हालांकि नहीं दिया है, ये न्याय बोधिनी में नहीं दिया है लेकिन किरणावली टीका में दिया है। चलो मूर्तत्वम अथवा मूर्तत्व का दीपिका में और एक लक्षण किया, परिचिन्न परिमाणवत्तम ऐसा लक्षण किया, परिचिन्न परिमाणवत्तम, जो परिचिन्न परिमाण जिसमें रहेगा वो सब मूर्त ले लो, हैं? तो आकाश दीप आत्मा ये परिचिन्न परिमाण वाले नहीं है, परिचिन्न परिमाण वाले नहीं है, है ना। तो ऐसा भी लक्षण किया है दीपिकाकार अन्नम भट्ट है, दीपिकाकार जिसने मूल ग्रंथ लिखा तर्क संग्रह, उसने दीपिका नामक टीका व्याख्यान, मूल के ऊपर व्याख्यान है दीपिका टीका, उसमें कहा है अल्प परिमाण, चलो व्यापक से भिन्न, विभू से भिन्न, व्यापक से भिन्न, हो गया ना। चलो महत परिमाण का है ना, परम महत, परम महत से भिन्न सब हो जाएंगे, अणु महत दीर्घम हर्ष, तो परम महत है ना, परम महत परिमाण कितने का होता मालूम है, आकाश मन का नहीं है, केवल आकाश का है क्या, केवल आकाश का है क्या, कितने का बोलो ना, कितने का बोलो। पर हाँ तो सुन, नहीं आता है तो सुन लो, आकाश काल दीक आत्मा चार का होता है, म्यूट कर लो, ये हो जाएगा।
मूर्तत्वम च क्रियावत्तम। आगे लिख दिया, न्यायवदनी चल रही है। पृथ्वी व्यप्तेयो वायु मनांसी मूर्तानी। पृथ्वी अप मतलब जल, तेज और वायु है ना, और मन पांच हो गए। ये पांच होते हैं मूर्त द्रव्य, क्योंकि क्रिया इसमें होती है। अच्छा, और भूत कौन है भैया? भूत हैं, भूत पदार्थ। तो कहते हैं पृथ्वी व्याप्तेयो वायवकाशो आकाश इति पंचकम भूत पद वाच्यम। ये भूत होते हैं, भूत पृथ्वी से लेकर आकाश, ये पंच महाभूत होता है। लेकिन भूत क्या है, भूत क्या है देखो। हाँ, क्योंकि आकाश भूत तो है लेकिन मूर्त नहीं है। भूत तो है लेकिन मूर्त नहीं, इसलिए आकाश में भूतत्व तो है लेकिन मूर्तत्व नहीं है। हाँ, तो पांच जो मूर्त द्रव्य है, ऐसा कोई है पांच द्रव्य में मूर्त हो और भूत ना हो? रामेश्वर, पांच द्रव्य में से, पांच मूर्त द्रव्य में से ऐसा कोई है मूर्त हो लेकिन द्रव्य भूत ना हो? पांच मूर्त द्रव्य में से कोई ऐसा है मूर्त हो लेकिन भूत न हो? आकाश मूर्त द्रव्य है। हमने क्या बचा तुमको? मूर्त हो और भूत ना हो ऐसा पूछा। ऐसा कौन है? मन। ऐसा कौन है? मन। मन मूर्त तो है लेकिन भूत नहीं। लेकिन आकाश जो है भूत है लेकिन मूर्त नहीं। आकाश भूत पदार्थ है लेकिन मूर्त नहीं है। चलो देखो, ये कह रहे हैं भूतत्वम नाम। भाई भूत किसको बोलते हैं? यहाँ पर भूत प्रेत की बात नहीं चल रही है, पंच महाभूत में जो भूत आया। भूत क्या है? भूतत्वम नाम बहिरिंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्तम। यही है भूत का लक्षण है भैया, बहिरिंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्तम। बहिरिंद्रिय, इंद्रिय दो है, एक चक्षुरादि बाह्य है और मन बाह्य नहीं होता है। मन बाह्य नहीं होता है क्योंकि अंदर के विषय को ग्रहण करता है मन, सुख दुख ये सब मन विषय करता है, इसलिए मन बहिरिंद्रिय नहीं है। चक्षुरादि हो गए बहिरिंद्रिय, तो बहिरिंद्रिय कितने हैं न्याय के अनुसार मालूम है आप लोगों को? क्या नाम है राजू? बहिरिंद्रिय कितने हैं? कितना है, कितने, इतना बोलो कितने हैं? अरे भाई कितने हैं, कौन कौन नहीं पूछ रहा मैं, कितने हैं? हाँ पांच है, ज्ञानेन्द्रिय पांच। कर्मेंद्रिय है कि नहीं बाह्य? तो दस हो गए। सुनो, नहीं आए के लोग कर्मेंद्रिय को नहीं मानते हैं, कर्मेंद्रिय को नहीं मानते हैं, केवल ज्ञानेन्द्रिय को मानते हैं और मन को मानते हैं। कर्मेंद्रिय को बाघ पाणी पाद पायु उपस्थ इसको इंद्रिय नहीं मानते हैं लोग। तो बरिंद्रिय हो गया पांच, चक्षुरादि पांच, ठीक है। चक्षु त्वगिंद्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और कौन, रसनेन्द्रिय,
पांच हो गए, दारिंद्रिय बहिरिंद्रिय। तब बहिरिंद्रिय ग्राह्य, बहिरिंद्रिय से ग्राह्य है, तो बहिरिंद्रिय से ग्राह्य जो विशेष गुण है, तो बहिरिंद्रिय से ग्राह्य विशेष गुण शब्द भी है क्या? है, शब्द भी है कि नहीं? तो शब्द का है, तो बहिरिंद्रिय ग्राह्य विशेष गुण शब्द भी हो जाएगा है। बहिरिंद्रिय ग्राह्य, ग्राह्य का अर्थ क्या होता है? ज्ञान का विषय। बहिरिंद्रिय जन्य ज्ञान विषय, ये हो गया ग्राह्य का अर्थ। बहिरिंद्रिय ग्राह्य, बहिरिंद्रियण ग्राह्य, ग्राह्य शब्द का अर्थ हो गया ज्ञान विषय। बहिरिंद्रिय जन्य ज्ञान विषय, ये किसका अर्थ हो गया? बहिरिंद्रिय ग्राह्य। बहिरिंद्रिय हो गए चक्षुरादि पांच, ये चक्षु से ग्राह्य विशेष गुण हो गया रूप। रूप हो कि नहीं भैया? तो रूप हो गया विशेष गुण, विशेष गुण का आश्रय। रूप कहाँ कहाँ रहता है? पृथ्वी, जल, तेज, पृथ्वी, जल, तेज, है कि नहीं? हाँ, तो पृथ्वी जल तेज में भी गया विशेष गुणवत्त, पृथ्वी जल तेज। और वायु में भी जाना चाहिए, पांच है ना, पांच 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 हो गया भूत पदार्थ। इसको नहीं समझ रहा है पूछो, तो वायु में कैसे जाएगा? देखो, बहिरिंद्रिय हो गया तगिंद्रिय, तगिंद्रिय से विषय हो गया कौन? स्पर्श, स्पर्श हो गया ना भैया, तो स्पर्श का, हाँ स्पर्श हो गया। स्पर्श का आश्रय हो गया कौन? वायु भी हो गया है, तो विशेष गुणवत्त हो गया वायु, उसमें लक्षण चला गया है ना। और कौन रहा? आकाश में कैसे जाएगा? आकाश में भी चला जाएगा। देखो, बहिरिंद्रिय हो गया श्रोत्रेन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय से ग्राह्य विषय हो गया शब्द विशेष गुण है, और विशेष गुणवत्त हो गया आकाश, आकाश में लक्षण चला गया। तो पांच भूत पदार्थ में लक्षण जाएगा, तो कोई दोष नहीं है, हो गया ना भैया? तो बहिरिंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्तम है, तो बहिर्पद यदि नहीं देंगे है, बहिर्पद यदि नहीं देंगे तो कितना रहेगा नारायण? इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्तम रहेगा ना है। बहिर्पद नहीं देंगे तो इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्तम भूतत्वम, तो क्या दोष होगा? श्याम देव बोलो, मालूम है? देखो सुनो, फिर अतिव्याप्ति हो जाएगी। मन में क्यों जाएगा? मन में क्यों गया? मन में क्यों जाएगा? मन में नहीं जाएगा, सुनो फिर म्यूट कर लो। तो आत्मा में लक्षण, म्यूट करो, आत्मा में जाएगा, आत्मा में। आत्मा भूत नहीं है, अलक्ष्य है ना, अलक्ष्य सुन लो है। बहिर्पद नहीं देंगे तो लक्षण रहेगा इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्तम। इंद्रिय बराबर हो गया मन, उससे ग्राह्य विषय हो गया सुख दुख है, विशेष गुण हो गया सुख दुख, विशेष गुण वाला हो गया आत्मा। तो आत्मा में क्या धर्म गया? इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्तम हो गया कि नहीं? तो लक्षण कर रहे हो भूतों का, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का, उसमें तो लक्षण गया, लेकिन उसमें जाते हुए अलक्ष्य जो आपका आत्मा, आत्मा में भी लक्षण चला गया जो कि अलक्ष्य है। तो अतिव्याप्ति हो गई, लक्ष्य वृत्तित्व सती अलक्ष्य वृत्तित्व हो गया ना, इसलिए बहिर्पद दिया गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद काल का लक्षण देखो, काल काल।
अतीतादि व्यवहार हेतु काल, ये काल का लक्षण हो गया। सच एको विभुर नित्यश्च, देखो काल का लक्षण है। अतीतादि व्यवहार हेतु काल, काल हो गया लक्ष्य, लक्ष्य बराबर काल, और ये हो गया लक्षण। अतीतादि व्यवहार हेतुत्वम, ये लक्षण हो जाएगा। अतीतादि व्यवहार मतलब क्या? शब्दात्मक व्यवहार, अभिज्ञा, अहिवदन, हानुपदान, अर्थक्रियाकारित्व, इस चार प्रकार के व्यवहार, अभिज्ञा, अभिवदन, हानुपदान, अर्थक्रियाकारित्व, इस चार प्रकार का व्यवहार होता है ना। तो अभिज्ञान ज्ञान रूप, लेकिन यहाँ पर अभिवदन मतलब बोलना, शब्दात्मक शब्द प्रयोग, शब्द प्रयोग रूपी व्यवहार कैसे? तो कहते हैं अतीत, अतीत मतलब घट आसित, घट आसित घट था, घट अहम बालक, मैं बालक था, संस्कृत में क्या होगा? श्याम दे, क्या होगा? बोलो क्या होगा? अहम बालक आसम, आसम आसम होगा, मकार होगा, आसम है कि नहीं? आसित, आस्ताम, आसन, आसिहि, आस्तम, आस्त, आसम, आसव, आसम। मीट करो, मीट करो, मीट करो, साउंड तुम इको हो रहा है। तो कहते हैं अहम बालक आसम, तो ये जो व्यवहार हो रहा है अतीत आदि से ये लेना है कि नहीं? अतीत, तो अतीत आदि जो व्यवहार, आदि से लेके वर्तमान भविष्य तीनों हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे है ना। घटा भवति, घटा भविष्यति, कार्यम भविष्यति, ये जो व्यवहार हो रहा है ये शब्दात्मक व्यवहार हो गया। इस व्यवहार का जो हेतु है कारण, ये काल को लेकर व्यवहार कर रहे हो आप, ये अतीतादि व्यवहार हेतु हो जाएगा काल, ये लक्षण हो गया। सच वो जो काल है वो एको, काल एक ही होता है, अनेक काल में कोई प्रमाण नहीं है, काल तो एक ही है। हाँ, केवल उपाधि के भेद से उसको अलग अलग कहा जाता है ना, ना? हाँ ऐसा है तो काल एक ही है। जैसे आकाश विभू होता है, काल भी विभू होता है। विभू का लक्षण है ना, सर्व मूर्त द्रव्य संयुक्तम, सभी मूर्त द्रव्यों के साथ काल का संबंध होता है ना। हाँ, और नित्यश्च, काल भी नित्य है, भी आकाश भी नित्य है और काल भी नित्य होता है, आत्मा भी नित्य है। नित्य का क्या लक्षण आया? प्रागभावा प्रतिजगित्व शक्ति धनसा प्रतिजगित्वम, ये नित्य का लक्षण ये लोग करते हैं। नित्य है, जिसका प्रागभाव न हो, जिसका धनसा न हो, उसको नित्य मानते हैं। काल का प्रागभाव नहीं है, काल का धनसा नहीं है, इसलिए काल नित्य है, न्याय के अनुसार भी है, न्याय का चल रहा है ना। पदकृत देखो टीका में, अतीत इति, अतीत इत्यादि यो व्यवहार, अतीत वर्तमान भविष्य ये जो व्यवहार कर रहे हो शब्द रूपी व्यवहार। अगली क्या है? अतीत भविष्य, भविष्य वर्तमान है ना, भविष्यत वर्तमान इत्यात्मक, तस्य ये जो बोल रहे हो अभिवदन है, अतीत भविष्यति है वर्तमान, ये जो व्यवहार हो रहा है शब्द रूपी शब्दात्मक व्यवहार, इस व्यवहार का जो असाधारण हेतु,
कारण कारण दो प्रकार का है, एक साधारण कारण एक असाधारण कारण है, ठीक है नारायण। हाँ, ये जो व्यवहार हो रहा है शब्दात्मक व्यवहार, इस व्यवहार का असाधारण जो कारण होगा उस कारण को कह देंगे काल। साधारण कारण तो ईश्वर भी होता है, ईश्वर, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का ज्ञान, ये हो तब तो शब्द का प्रयोग करोगे, धर्मा धर्मा, ये सब साधारण कारण होते हैं। लेकिन असाधारण कारण काल होता है, जो बोल रहे हो ना घटो भविष्यति, घटो अस्ति, घट आसीत, ये जो शब्दात्मक व्यवहार कर रहे हो इसका असाधारण कारण है काल। ये काल ना होते व्यवहार नहीं हो सकता है, ठीक है नारायण। तो लक्षण कितना हुआ अभी काल का, कितना हुआ? अतीतादि व्यवहार असाधारण हेतुत्वम, इतना लक्षण हुआ, ठीक है राजू। अतीतादि व्यवहार साधारण हेतुत्वम, हैं, इस व्यवहार का जो असाधारण कारण है, इतना लक्षण ध्यान में रखो। और बोलते हैं ऐसा लक्षण करने पर भी हम तो दोष देंगे, हमारा काम तो दोष देना कि तुम्हारा लक्षण में तो अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा। कैसे, जरा समझ के रख लो। आपने कहा अतिदादि व्यवहार असाधारण हेतुत्व, ये व्यवहार हो रहा है तो शब्दात्मक व्यवहार हो रहा है कि नहीं, इसका असाधारण कारण समवाय कारण आकाश भी है कि नहीं। आकाश में शब्द कहाँ पर उत्पन्न होता है? आकाश में तो उत्पन्न होता है, तो शब्द का असाधारण कारण कौन है? आकाश हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, लक्षण कर रहे हो काल का, काल में तो गया लेकिन आकाश में भी चला गया, तो क्या दोष आया फिर? अतिव्याप्ति। अतीतादि व्यवहार असाधारण हेतुत्वम, ऐसा लक्षण करने पर भी काल में जाते हुए अलक्ष जो आकाश है, आकाश का लक्षण नहीं कर रहे हो, काल का लक्षण कर रहे हो, फिर आकाश में भी लक्षण चला गया है ना भाई, आकाश में। यही यहाँ पर लिखे देखो, ननु इदम लक्षणम आकाशे अतिव्याप्तम, ये लक्षण जो है आकाश में चला गया, फिर तुम्हारा लक्षण अतिव्याप्तम मतलब अतिव्याप्ति दोष से युक्त हो गया, हो गया ना भैया। क्यों? आपके कहने से तो नहीं होगा, क्यों अतिव्याप्ति दोष हुआ इसमें? पूर्व पक्षी कह रहा है व्यवहारस्य शब्दात्मकत्वात् इति चेत्, ये जो तुम्हारा व्यवहार है घटो अस्ति, घट भविष्यति, घट आसीत, ये जो व्यवहार कर रहे हो ये तो शब्दात्मक व्यवहार है ना, और शब्द का समवाय कारण, समवाय कारण तो असाधारण कारण है, हैं, तो शब्द का समवाय कारण तो आकाश होता है, समवाय समान से शब्द आकाश में उत्पन्न होता है, इसलिए चला गया आकाश में। इति चेत, तब सिद्धांती बोलते हैं न्यायिक, न्यायिक ना, ना कहने से हमारे लक्षण में कोई दोष नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में दोष है। क्यों? अत्र हेतु पदे ना, ये जो असाधारण हेतु कहा, इस हेतु पद से निमित्त हेतु और विवक्षितत्वात्, अरे भी असाधारण हेतु से हम निमित्त कारण को लेंगे, कौन सा कारण को लेंगे? निमित्त। देखो कारण पहले दो भेद कर दो, साधारण कारण और असाधारण कारण, ठीक है ना भाई, फिर उसको भी भेद किया जाता है, तीन भेद करेंगे। क्या भेद करेंगे? तीन, तीन भेद कैसे? समवायीकरण, असमवायीकरण और निमित्त कारण, ऐसा है, ऐसा कर देंगे, समवायी असमवायी और क्या है निमित्त, ये कारण पहले तीन भेद कर दो, इसको फिर दो भेद करना है, ये सबसे अच्छा है, पहले तीन भेद होगा है ना, समवायी असमवायी और क्या है निमित्त,
सुन रहे हो भैया? तीन भेद क्या क्या हुआ? सामवायिक कारण, असामवायिक कारण और क्या है निमित्त कारण। तीनों कारण आएगा आगे। जैसे घट के प्रति सामवायिक कारण क्या है? मिट्टी वृत्ति का घट का चल रहा है, घट का। अरे घट बोल, इको बहुत हो रहा, म्यूट कर लो। घट के प्रति सामवायिक घट कहा जा रहा है, पटनी कहा जा रहा है, शायद आवाज नहीं जा रही आप लोगों के पास। घट 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 का सामवायिक कारण है मिट्टी, घट का सामवायिक कारण मिट्टी है, तो उपादान कारण सामवायिक कारण। हाँ, न्याय में सामवायिक कारण कहते हैं और वेदांत में उपादान कारण कहते हैं। घट का सामवायिक कारण मिट्टी है ना, और असामवायिक कारण कपाल का संयोग। कपाल का दो कपाल को जोड़ दें, दो टुकड़े को जोड़ देंगे तो घड़ा बन जाएगा। और निमित्त कारण क्या है? निमित्त कारण तो बनाने वाला घड़े को, दंड चक्र ये दोनों को छोड़ करके, मतलब स्वाभाविक कारण घट का हो गया मिट्टी, और स्वाभाविक कारण है दो कपाल का संयोग, और इससे अतिरिक्त जितने भी कारण है वो सब निमित्त में आ जाएंगे, सब निमित्त में आ जाएंगे, है ना। और वो जो निमित्त कारण है वो उसको दो भेद कर सकते हो, साधारण असाधारण। दंड चक्र आदि हो गए असाधारण कारण हो जाएंगे। और साधारण कारण कौन है? ईश्वर, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की इच्छा, धर्माधर्म, ये सब हो जाएंगे साधारण कारण। साधारण कारण वही होता है जो सकल कार्यों के प्रति हो, चाहे घट हो, पट हो, मठ हो, कोई भी संसार में कोई भी कार्य हो, समस्त सकल कार्य क्या है, हो जाएगा, क्या हो जाएगा काल में। कौन? हाँ हो जाएगा, क्या प्रति हो जाएगा? किसके प्रति कह रहे हो? किसके प्रति कह रहे हो? शब्द के प्रति? हाँ तो है ना, वो तो हाँ साधारण होने पर भी इसके प्रति विशेष है ना, इसके प्रति विशेष हो गया, ऐसा हो गया। चलो दो धर्म कहाँ हुआ अभी? बाकी के प्रति साधारण हो गया, इसके प्रति असाधारण हो गया, ऐसा ना है। बाकी के प्रति साधारण है, इसके प्रति असाधारण हो गया, तो क्या प्रति? चलो तो कहते हैं, जैसे मान लीजिए गुरु है, गुरु गुरु है, उनका जो चेला है जिसको दीक्षा दिए है, उनके प्रति क्या हुआ? असाधारण हुआ कि नहीं हुआ? और बाकी शिष्य के प्रति क्या हो जाएगा? साधारण हो गया तो क्या पीछे? चलो तो टीका है, हेतु पद न निमित्त हेतु, हेतु पद से क्या देंगे? निमित्त हेतु दे देंगे, और असाधारण निमित्त हो जाएगा शब्दात्मक व्यवहार के प्रति, है ना, असाधारण निमित्त हो जाएगा। तो असाधारण निमित्त कहने से क्या होगा? ये जो व्यवहार हो रहा है ना, व्यवहार के प्रति असाधारण निमित्त कौन है? असाधारण निमित्त तो भाई काल है, काल है। और जो शब्द के प्रति जो आकाश होता है वो कौन सा है? हाँ? वो निमित्त है कि सामवाय कारण है? वो सामवाय कारण होता है शब्द के प्रति, निमित्त नहीं होता है, है ना, ऐसा कहा जाता। अच्छा, नच एवं कंठ तालवादि अभिघाते अतिव्याप्ति इति वाच्यम। अब कहते हैं देखो, लक्षण ऐसा करने पर भी, है ना,
कि अतीतादि व्यवहार असाधारण निमित्त हेतुत्वम ऐसा कर देंगे। अतीतादि व्यवहार असाधारण निमित्त हेतुत्वम, अतीतादि जो शब्दात्मक व्यवहार हो रहा है इसके प्रति जो असाधारण निमित्त कारण हो वो होता है काल, ऐसा कहने पर भी और अतिव्याप्ति हो जाएगी। वैसे कंठ तालु आदि अभिघा, जैसे कंठ तालु में जो वायु का अभिघात संयोग होता है, शब्द जब उत्पन्न होगा कब ना, ये वायु का आपके जो स्थान होते हैं वर्ण जहाँ पर उच्चारण होता है उसमें जब संयोग हो जाएगा तब जाकर शब्द उत्पन्न होता है। तो शब्द जो उत्पन्न हो रहा है तो ऐसा शब्द घटो अस्ति, घटो भविष्यति, ये जो शब्द हो रहा है व्यवहार, इसका असाधारण निमित्त कारण कौन है? कंठ तालु का अभिघात संयोग हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। कंठ तालु के साथ वायु का संयोग हो तब तो शब्द उत्पन्न होगा। तो लक्षण कर रहे हो काल का, और लक्षण चला गया कंठ तालु अभिघात के साथ, अभिघात में हो गया, तो कौन सा दोष हो गया? अतिव्याप्ति दोष हो गया, अतिव्याप्ति दोष हो गया। हाँ, समझ में आया राजू? हेलो, कोशिश कर रहे हो? लक्षण किसका? लक्षण आपको आरती की आवाज जा रही है क्या? आप लोगों को हमारे यहाँ आरती हो रही है ना? नहीं दे रही ना? हाँ हाँ, चल जाएगा ना? हाँ चलो, कोई बात नहीं। क्यों? काल का लक्षण हो रहा है, लक्षण कर रहे हो काल का। कितना लक्षण हुआ? अतीतादि व्यवहार असाधारण निमित्त हेतुत्वम, इतना हुआ। अतीतादि का जो व्यवहार हो रहा है ना, कैसे व्यवहार? घट होगा, घट है, घट था, ये बोल रहे हो ना, ये शब्द हो गया व्यवहार। इस व्यवहार का जो असाधारण निमित्त कारण हो उसको कहेंगे काल, उसको कहेंगे काल। ऐसा लक्षण करने पर भी लक्षण में अतिव्याप्ति दोष होगा, कैसे समझ लो? आपके कंठ तालु जो होते हैं स्थान, आपके अंदर स्थान होते हैं ना मुख में, वर्ण जहाँ पर उच्चारण होता है उस स्थान में वायु का संयोग होगा, अभिघात संयोग। लेकिन संयोग भी दो प्रकार का है, ये है ना? हाँ, एक होता है अभिघात और एक होता है नोदन। हाँ, दो प्रकार संयोग होता है, लिख लो जिसको लिखना है, अभिघात और नोदन। अभिघाताख्य संयोग, नोदनाख्य संयोग। शब्द जनक संयोग अभिघात संयोग, शब्द जनक संयोग अभिघात संयोग। जिस संयोग से शब्द उत्पन्न होता है, जैसे ताली बजा दिया, ऐसे करके ताली बजा दिया, तो दो हस्तद्वय का संयोग हुआ, ये शब्द उत्पन्न हो गया। इस संयोग को कहेंगे अभिघात संयोग, ठीक है? और किसी को एक चांटा मार दिया, चांटा मार दिया है ना रामेश्वर? किसी को जोर से चांटा मार दिया भैया, शब्द हुआ कि नहीं हुआ? तो हुआ ज्ञान, बढ़िया हुआ। उस संयोग को बोलेंगे अभिघात, उस संयोग को बोलेंगे अभिघात संयोग बोलेंगे, है कि नहीं? और धीरे से ऐसा कर दिया, धीरे से ऐसा हस्तद्वय का संयोग हुआ, शब्द नहीं हुआ ना, शब्द नहीं हुआ, इसको कहेंगे नोदना। इस संयोग को कहेंगे नोदन, नोदन, नोदना, ठीक है ना? ऐसा होता है। जैसे जल आया, जल शब्द शब्द अजनक संयोग, शब्दा जनक संयोग, जो शब्द का जनक न हो संयोग, मतलब जिस संयोग से शब्द नहीं होगा,
श्रद्धा जनक संयोग नौजन संयोग ऐसा है, ठीक है। जिस संयोग से शब्द उत्पन्न नहीं होगा है उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नौजना संयोग कहेंगे। हाँ नौजन, नौजन आपके संयोग, ठीक है। हाँ जो आपका जो वायु है, वायु है ना, अंदर वायु चल रहा है आपके मुख के अंदर, तो मुख का यदि संयोग होगा कंठ ताल अभिघात के साथ, लेकिन कैसा संयोग, अभिघात शब्द उत्पन्न हो जाएगा। धीरे से करेंगे तो नहीं होगा, जैसे आपका मुख बंद है, कोई चेष्टा भी नहीं कर रहे हैं, शब्द है उसमें वायु का संयोग तो हो रहा है स्थान के साथ, कंठ तालु के साथ, लेकिन शब्द नहीं हो रहा है ना, है कि नहीं। हाँ जब अभिघात संयोग हो जाएगा तो शब्द उत्पन्न होगा। जब चेष्टा ज्यादा करेंगे तो कौन सा संयोग हो जाएगा, अभिघात संयोग हो जाएगा, तब शब्द उत्पन्न होगा भैया, है ना। यही यहाँ पर कह रहे हैं, देख लो ये जो कंठ तालु अभिघात संयोग हुआ है ना, तो उसमें तो चला गया कि नहीं, तो वो जो कारण है कंठ तालु अभिघात संयोग है, इसे शब्द हुआ कि नहीं हुआ, तो शब्द का कौन सा कारण हुआ वो संयोग है, असाधारण निमित्त कारण हुआ, तो लक्षण चला गया, ठीक है। हाँ तो कौन सा दोष हो गया, अतिव्याप्ति दोष हो गया है। तब इति नच वाच्यम पदकृत्य में देखो, नच एवं कंठ तालु आदि अभिघाते अतिव्याप्ति इति वाच्यम, इति नच वाच्यम ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों भाई, बोलते हैं कि विभुस्यापि निवेश, विभुत्वस्यापि निवेशत्व, अभी लक्षण में एक निवेश कर देंगे, मतलब विशेषण जोड़ देंगे, कौन सा विशेषण हो जाएगा, विभुत्व, विभुत्व हो जाएगा, तो क्या लक्षण हो जाएगा नारायण, विभुत्वे सति, विभुत्वे सति अतीतादि व्यवहार साधारण हेतुत्वम, असाधारण निमित्त हेतुत्वम, ऐसा कर दो। फिर बोलो विभुत्वे सति अतीतादि व्यवहार, रा कहने से आगे असाधारण निकल जाएगा, अतीतादि व्यवहारा साधारण निमित्त हेतुत्वम कालस्य लक्षणम, ये लक्षण हो जाएगा, ऐसा लक्षण हो जाएगा, तो कोई दोष नहीं है। क्योंकि देखो कंठ तालु अभिघात जो संयोग है वो शब्द के प्रति असाधारण निमित्त कारण तो है, लेकिन विभु नहीं है, वो व्यापक नहीं है, व्यापक भी होना चाहिए हाँ, तो व्यापक होते हुए अतीतादि जो व्यवहार है उसका असाधारण निमित्त कारण है कौन है, काली है, तो काल में ही जाएगा, अन्यत्र नहीं जाएगा, अन्यत्र नहीं जाएगा, हो गया ना भैया। ईश्वर में जाएगा कि नहीं, ईश्वर तो साधारण कारण है, असाधारण कारण नहीं है, है ना, ऐसा है, ठीक है भैया। रखूं इतने में रखता हूँ, नया बदनी भी है क्या इसके ऊपर कुछ, नया बदनी तो सरल है, कालम लक्ष्यति अति, हाँ थोड़ी सी उसको कर लो, थोड़ी सी व्यवहार हेतुत्वस्य लक्षण लक्षणत्वे घट इति हैं, व्यवहार हेतुभूत घटादौ अतिव्याप्ति तद वाणाय अतीतादि विशेषण उपवादनम। देखो अतीतादि इतना नहीं देंगे, अतीतादि इतना ना दो मूल में, तो कितना रहेगा, व्यवहार हेतु काल, जो व्यवहार का कारण है उसका नाम काल बोलोगे, तो घट में ही व्यवहार होता है कि नहीं, घट में भी तो व्यवहार होता है, हो गया ना। हाँ तो घट जो व्यवहार हो रहा है उस तो व्यवहार का हेतु तो कौन है, व्यवहार का हेतु तो कौन है भैया, घट भी हुआ कि नहीं हुआ, क्यों क्या हुआ, ये घट ने सुनो घट ये जो बोल रहे हो ना, हाँ ये घट ये अयम कह, अयम घट
ये जो बोल रहे हो इस व्यवहार का हेतु घट हुआ कि नहीं हुआ? शब्द का विषय कौन है? घट है कि नहीं? शब्द का विषय घट हुआ कि नहीं हुआ बोलो। अरे किस शब्द का प्रयोग कर रहे हो? घट शब्द का। तो शब्द हो गया, तो व्यवहार का हेतु कौन हो गया? घट हो गया। अथवा इतना नहीं समझ में आ रहा है तो जलारण किस में कर रहे हो? घट में कर रहे हो कि नहीं? जल भर रहे हो घट में, है कि नहीं? ये व्यवहार हो रहा है, इस व्यवहार का हेतु कौन हो गया? घट हो गया। तो घट में चला गया लक्षण। कितना करने पर? अतीतादि इतना नहीं देंगे व्यवहार हेतुत्वम, इतना कर देंगे तो हैं कहां पर? घट में भी, घटपटादि में भी हो जाएगा लक्षण चलाएगा, क्योंकि उसमें भी घटपटादि को लेकर व्यवहार तो हो रहा है ना। ये व्यवहार का है तो घटपटादि हो गया, तो कोई विरोध है तो कोई दोष हुआ? दोष हो गया है ना, इसलिए क्या करेंगे? अतीतादि कर देंगे है, केवल व्यवहार से है घट पट इतना नहीं। घट अस्ति घट आसीत, ये जो व्यवहार हो रहा है इस व्यवहार का हेतु तो कौन? काल होगा, काल को लेकर व्यवहार किया जा रहा है ना। इसलिए बोल दिया ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ओम।